Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Dabri. Hopefully, आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, अपनों और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे. तो गाइज, अब देखो, आज मॉक का रिजल्ट आने वाला है ना. आएगा कब? 11 बजे के आसपास या 11 से 12 के बीच में आपका मॉक का रिजल्ट आ जाता है. यूजली अगर आप कॉमेट के की बात करोगे तो कॉमेट के टाइम को लेकर बहुत ज्यादा पंचुअल है और यूजली टाइम पे ही रिजल्ट लगभग आता है. तो मॉक को लेकर कुछ डिस्कशन मैं करना चाहूंगा कि मॉक को लेकर आप लोगों को क्या क्या चीजें अब ध्यान में रखनी है, कि क्या इसके बेनिफिट हैं, कुछ बेनिफिट है भी कि नहीं है. तो ये सारी चीजों पे हमारा डिस्कशन रहेगा. साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप लोग चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं मॉक के बाद. हो सकता है आपने चॉइस फिलिंग में कोई गलती कर दी हो जिसके कारण से आपके कॉलेजेस मिस हो गए हों. साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वहां पे भी जुड़ सकते हैं और हमसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. उसके बाद एक प्रॉपर जो चॉइस फिलिंग है आपको बना के मिल जाएगी और उसको आपको अब अपनी प्रेफरेंस में लगाना है. तो जब भी फर्स्ट राउंड होगा उसके बाद जो पॉसिबिलिटीज है वो कुछ और अच्छी आपकी बनने की पूरी पूरी संभावनाएं. तो चलो जी, टाइम वेस्ट नहीं करते. तो पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉक का मतलब क्या है. देखो, मॉक का मतलब सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आपने और आपके साथ जितने भी लोग थे उन्होंने जो चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है. बहुत सिंपल, बहुत क्लियर. What does mock means? Mock allotment only meant that all the student who had submitted their preferences that what according to those all of those preferences according to your rank what can you get. ठीक है, अब देखो mock ये कब होता कि मतलब हाँ जो mock में मिला है वही हमको in future मिलेगा या उससे बेहतर मिलेगा, ये कब होता? ये तब होता जब आप बाद में प्रेफरेंस अपनी एडिट नहीं कर सकते. मतलब आपको जैसा मॉक में लोगों ने भरा हुआ है वैसा का वैसा ही पूरे राउंड में होने वाला रहता. लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है. तो दोस्त, जब ऐसा है ही नहीं तो बताओ मॉक का अलॉटमेंट फाइनल अलॉटमेंट से कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं है. तो इससे क्या हो गया है? पहली चीज तो ये समझ लो कि मॉक अलॉटमेंट से कुछ सेंस नहीं निकलता है, बिल्कुल सेंस नहीं निकलेगा, जीरो है. वहां पे सेंस निकलेगा जहां अब आप अपनी प्रेफरेंस एडिट नहीं कर सकते हैं. हाँ, एक रफ आइडिया जरूर आपको लग जाता है कि चलो मोटा मोटा इतना तक तो मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक एग्जैक्ट आइडिया, एक एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं पता चलेगा. तो मॉक को देखकर इतना घबराने की जरूरत नहीं है, पहली चीज. दूसरी चीज एक है कि यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू अ किड एंड उसने कहीं कैप्सूल से रजिस्टर किया हुआ है, कोई कैप्सूल कैप्सूल का कोई चैनल है. तो दे हैड चार्ज 5000 टू हर एंड शी ऑप्टेड ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, शी मेड हर रिसर्च इन ऑल द ब्रांचेस एंड देन शी केम टू नो कि चलो मुझे ये करना है. तो पहले तो वो लोग कॉल करते नहीं है और फिर अचानक से उनका कॉल आता है और व्हेन शी टोल्ड देम कि मुझे बायोटेक्नोलॉजी करनी है. ठीक है, एंड देन दे टेल हर कि आपने डिसाइड कर लिया है, आप पछताओगे तो नहीं. और अनफॉर्चुनेटली उसने कुछ, बेचारी ने कुछ बोला नहीं एंड शी गेट नर्वस. तो देखो, एक मैं आप लोगों को बात बता दूं कि आपको जो ब्रांच लेनी है, ठीक है, आपकी कितनी भी बढ़िया रैंक हो कितनी भी खराब रैंक हो, ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस ही लेनी है तो आप नीचे तक कंप्यूटर साइंस लगाओ. ठीक है, आपकी कितनी भी बढ़िया रैंक है लेकिन आपको चाहिए कि ईसी ही लेनी है भाई. ठीक है, 100 रैंक है कॉमेड में लेकिन लग रहा है कि ईसी ही लेनी है, तो ईसी ही लो क्योंकि आपने उस पर रिसर्च किया हुआ है, आपने उसको सिलेबस को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है वहां क्या पढ़ाया जाएगा. तो आप पूरा उस पर डेडिकेटेड रहो और उसको लो. अगले साल हम लोग पूरी कोशिश करें कि हर हर टॉपिक को, मीन्स हर ब्रांच को इतना एलेबरेट करके समझा दें, इतनी इजी वे में मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे बच्चों को पता चल जाएगा कि भैया होता क्या है इसमें, है ना. तो ये मेरी कोशिश है. खैर, लेकिन तो ऐसे लोगों से बचिए, है ना,
इतनी वर्थ, इतना पैसा किसी को आपको देने की जरूरत नहीं है। 5,000, 4,000, इवन 3,000 भी, लगभग 3,000 चलो ठीक ठाक अमाउंट है, लेकिन इससे ज्यादा पैसा आप किसी को मत दीजिए, क्योंकि इतनी वैल्यू नहीं है इस चीज की। ठीक है, 3,000 तक मैं मानता हूं कि ठीक है वैल्यू है, लेकिन पांच, किसी को अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड बिल्कुल मत दीजिए। ठीक है, चलो जी थोड़ा सा मैं आगे जाता हूं। अब क्या है कि अब आप लोगों को इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद उन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि भैया मॉक के बाद आप लोगों को जीवन में क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस को एडिट करना है। तो आपके मॉक का तो जो रिजल्ट था वो तो यहीं पे चकनाचूर हो गया कि लोगों ने वापस अपनी प्रेफरेंस एडिट कर ली। अब उस एडिट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अब आगे की चीजें होंगी। ठीक है, मॉक का बेसिकली मतलब ये है कि आपको अगर चॉइस लिंग विसलिंग थोड़ी बहुत नहीं आती है या आपने नहीं किसी से करवाई है तो आपको एक मौका और दिया जाए कि भैया एक काम करो, वापस से एडिट वेडिट करके ले आओ। ठीक है, और फिर इसको लगा लो। अब आ गए थोड़ा सा नीचे, तो उन्होंने कहा है कि 25th से 5 बजे 27 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। अब किसको, अपनी चॉइस फिलिंग को। ठीक है, फिर रिजल्ट कब आएगा, 29th को आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का, और 29th से 3rd December तक आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग किसे करनी है, जिसने फ्रीज और एक्सेप्ट लिया है, सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे जाता हूं। फिर इसमें क्या है, आपको अगर सीट ले ली आप लोगों ने, आपने बैंगलोर गए, आपने सीट साट ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझसे गलती हो गई है, तो कॉमेट के आपको इसका भी ऑप्शन देता है कि भैया चलो कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई है तो आप एक काम करो, सरेंडर कर सकते हो तो सरेंडर कर लो। सरेंडर का जो टाइम है वो है 29th November टू 5th December। तो गाइस ये लगभग मोटा मोटा मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया, सर्दी थोड़ी सी लग गई है, तो ये है पूरा जो खेल, कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो कुछ एक लोगों से बच के रहे, ठीक है, कैप्सूल वाले भाई लोगों से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।